अपनी एक तहरीर पेश कर रही हूँ। उसका अनवान है, एक सवाल से उठे कई सवाल। रोजाना के मामूल पर परसों सुबह सवेरे वाक पर निकली। हल्की सर्द हवा और हर तरफ गिरते रंग बदलते पत्ते मौसम की तब्दीली का अंदिया दे रहे थे। घर के पीछे के रास्ते से होती जंगल की तरफ बढ़ी। वही मेरा रोजाना का पसंदीदा फितरत से भरपूर रास्ता, वही तंगो तवील पगडंडियां, वही परिंदों की चहचहाट, वही नदी के पानी का तेज बहाव और उसके शोर में डूबती मेरे जहन की हर दूसरी फिक्र, और वही पहाड़ी की चढ़ाई और फिर उतराई। अपनी इसी बात से भरपूर लुत्फ उठाते हुए मैं हर कदम जमीन आगे की तरफ बढ़ा रही थी कि अचानक एकदम से मेरा बढ़ता कदम फिसला और फिर धड़ाम से जमीन पर आ गई। जहन चकरा कर रह गया। उठी, कुछ देर में हवास बहाल हुए और फिर वापिस अपनी बात जारी रखी। जिस्म में उठता हल्का दर्द गिरने के असरात से आगाह करता रहा, मगर मैंने बिना हिम्मत हारे सफर जारी रखा। घर आकर बैठी, जिस्म को आराम मिलते ही उठती दर्द ने गिरने की याद फिर ताजा कर दी। हाँ, मगर जिस्म की हर उठती दर्द तक की तकलीफ अपनी जगह, मगर मेरा जहन यहाँ क्यों किसी और ही नुक्ता पर बार बार अटक रहा था। अजीब सवाल था कि आखिर क्यों गिरी। वही देखे भाले रास्ते और उनके नशेबो फराज तो हैं रोजाना के। वहां हर उठता कदम भरपूर एहतियात के तकाजे जानता है। कपड़े और जूते भी जगह की मुनासबत से मौजूद ही तो थे। अलगरस तमाम तर एहतियात के बावजूद गिरने की आखिर कोई तो वजह होगी। और फिर ये जहन में शोर मचाता क्यों, अगला पूरा दिन जिस्म में उठती हर दर्द पर हावी रहा और आज फिर इसी क्यों में उलझी उलझी सुबह की वाक पर निकल गई। इन्हीं रास्तों से होती जब ऐन उसी जगह पहुंची जहां परसों मेरा कदम फिसला था, तो गैर इरादी तौर पर यहां मेरे कदम अपने गुज़िश्ता तजर्बा की बिना पर मजीद मोहतात होते हुए मुझे साफ महसूस हुए थे। हाँ, मगर जहन में उठा हुआ वही क्यों यहाँ मजीद चीख उठा था। अपने अंदर के इस शोर के सबब वही उसी जगह जंगल में जमीन पर बैठ गई और कुछ तलाशने की चाह में बेख्तियार सूखे पत्ते और सूखी घास हाथों से हटाने लगी। जमीन का वो हिस्सा जरा साफ हुआ तो उस जगह जमीन का कुछ हिस्से का रंग मुझे सबसा नजर आया। ये सब्स रंग फितरी हरा भरा नहीं था, बल्कि फंगस लगा हुआ गहरा हरा रंग था। ओह, मैंने चौंककर सरदा भरी कि मेरा कदम तो फंगस सदा हिस्से पर पड़ा था, जबी तो मैं फिसल कर गिरी थी। और फिर फौरन समझ गई कि यही तो था मेरे इस क्यों का जवाब। और जवाब मिलते ही फौरन याद आया कि गोताखोरी की तरबियत में भी पानी में फंगस लगे पत्थरों पर पांव रखने से रोकने की खसूसी हिदायत बताई जाती है, और कि ये हिस्सा खतरनाक हद तक फिसलन पैदा करता है। तैराकी में भी फंगस सदा पानी और पत्थरों से गुजरने की खसूसी एहतियात होती है, तो फिर यकीनन जंगल में भी जमीन का वो हिस्सा जो फंगस सदा हो हद दर्जा फिसलन तो पैदा करता ही होगा। असूलन तो अब यहाँ जवाब मिलते ही जहन को तसल्ली हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं, उल्टा अब इस क्यों ने अपना जवाब पाते ही सवालों का एक गर्दाब पैदा कर दिया था। साथ ही अगला सवाल उठा, ये फंगस क्या है? और फिर खुद ही जवाब भी दे दिया, जंगालूर, बोसीदा, एक्सपायर्ड, ठहराव ज़दा, जमूत का शिकार। और फिर अगला सवाल तैयार था कि पानी जमूत का शिकार होकर बोसीदगी और तगफन पैदा करता है, पत्थर जंगालूर हो तो इस पर पड़ने वाला कदम जमीन बोस हो जाता है, जमीन फंगस सदा हो तो खुद पर रखे कदमों का तवाजन बिगाड़ कर रख देती है। हाँ, ये भी हकीकत है कि यहाँ बहुत से वो कदम भी पड़े होंगे जो फिसलने की बजाय अपना तवाजन बचाकर गुजर गए, मगर चंद के तवाजन बचाकर गुजर जाने से इस मौजूदा फिसलन की हकीकत का खतरा तो नहीं टल जाता ना। मगर वही अगर हमारी सोचें, नजरियात, अकायद, अफकार, रवायात भी इसी तरह जमूत का शिकार हों, बोसीदा हों, ठहराव ज़दा और जंगलूर हों, तो उनमें पलते बढ़ते इंसानी वजूद कहाँ कहाँ और कैसे फिसलन का शिकार होकर ना गिरते होंगे। बोसीदगी की फिसलन पर खड़ी इंसानियत इंसानी नफसियात क्यों कर अपना तवाजन बरकरार रख पाती होगी। और हाँ, एक बार भी कोई कदम गलत पड़कर फिसल जाए तो फिर जिस्म की तकलीफ से जहन ऐसे मुतासर होता है कि दोबारा उस रास्ते की तरफ बढ़ता हर कदम गैर इरादी तौर पर हद दर्जा मोहतात
साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। मगर वही अगर यही हमारा ज़हन चारों अतराफ फैली बोसीदगी से अफकार की फिसलन का शिकार हो जाए तो उसे बागी, बहका, भटका, बिगड़ा हुआ क्यों देखा जाता है, जबकि ये तो तय है कि फिसलन ज़हनी हो या जिस्मानी, इस सफर की कर्ब व अज़ियत और तकलीफ अपनी जगह, वजह सही, मगर यही फिसलन अगर जान और नफसियात बचा दे तो फिर बाद में आने वाली नस्लों को हमेशा एक पुर एहतियात रास्ता ही तो देकर जाती है।